आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत कालांश 25 में अष्टम पाठ के निम्न प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है उत्तर अनुसारम प्रश्न लिखतु, उत्तर के अनुसार प्रश्न लिखो। मम नाम शेखर, मेरा नाम शेखर है, तो इसका प्रश्न बनेगा भवत नाम किम। शेखर क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर आएगा भवत नाम किम, आपका नाम क्या है। भवत यहाँ शेखर के लिए आया, अगर स्त्रीलिंग होगा तो भवती आएगा। मम जनकस्य नाम कृष्णकांत, मेरे पिताजी का नाम कृष्णकांत है, तो इसमें यहाँ जनकस्य पिताजी है, तो पुल्लिंग होने के कारण भवत जनकस्य नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसी प्रकार मम जनन्या नाम विद्यावर्ती, मेरी माताजी का नाम विद्यावर्ती है, तो भवतिया जनन्या नाम किम, भवतिया स्त्रीलिंग होने के कारण आया, भवतिया जनन्या नाम किम, आपकी माताजी का नाम क्या है। इसी प्रकार मम विद्यालयस्य नाम गीता विद्या मंदिरम, मेरे विद्यालय का नाम गीता विद्या मंदिर है। अब इसका प्रश्न बनेगा कि भवत विद्यालयस्य नाम किम, आपके विद्यालय का नाम क्या है। इसी प्रकार जैसे हमने माताजी और पिताजी और विद्यालय का नाम का जो प्रश्न बनाया, इसी प्रकार अगला है कि मम नाम रेखा, मेरा नाम रेखा है, तो इसमें प्रश्न बनेगा भवतिया नाम किम, आपका नाम क्या है। मम गृहस्य नाम स्नेहा, मेरे घर का नाम स्नेहा है, तो भवतिया गृहस्य नाम किम, घर का नाम क्या है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार मम भगिनिया नाम लता, मेरी भगिनिया का अर्थ है कि बहन का नाम लता है, तो भवतिया भगिनिया नाम किम, आपकी बहन का नाम क्या है। मम जनकस्य नाम राम किशोर, मेरे पिताजी का नाम राम किशोर है, तो भवत जनकस्य नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है रिक्ते स्थाने उचितम पदम लिखतु, रिक्त स्थान में उचित पद लिखो। जैसे राम राम है तो रामस्य, रमेश रमेशस्य, और बालक बालकस्य, युवक युवकस्य, ग्राम ग्रामस्य, देश देशस्य, इन सब पुल्लिंग शब्दों में आधा स और य का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ख में पुस्तकम, यह नपुंसकलिंग शब्द है, पुस्तकम का पुस्तकस्य, नगरम नगरस्य, मंदिरम मंदिरस्य, गृहम गृहस्य, और भवनम भवनस्य, वाहनम वाहनस्य। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द है रमा, तो रमा का बना रमाया। उसी प्रकार लता लताया, बालिका बालिकाया, महिला महिलाया, शाटिका शाटिकाया, पत्रिका पत्रिकाया। और इसी प्रकार जो घ है पार्वती स्त्रीलिंग शब्द है, और इसी में बना पार्वतिया, देवकी देवकिया, भगनी भगनिया, जननी जननिया, नदी नदियाँ, कतरी कतरिया। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है तीसरा, उसमें वाक्य अनुसार वाक्यानि रचतु, जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है कि परशुरामस्य शिष्य कर्ण, परशुराम के शिष्य कर्ण है, तो द्रोणाचार्य से शिष्य एकलव्य, रामकृष्णस्य शिष्य विवेकानंद, वशिष्ठ
शिष्य राम, वर्तन्तु शिष्य कोश। इसी प्रकार दूसरा जो एक उदाहरण है उसमें करण शिष्य गुरु परशुराम, करण के गुरु परशुराम है। तो इसी प्रकार एकलव्य शिष्य गुरु द्रोणाचार्य, विवेकानंद शिष्य गुरु रामकृष्ण, रामस्य गुरु वशिष्ठ, कौश गुरु वर्तन्तु। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों का हल किया। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।